मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक इन माय चैनल। और आज है एक बर्थडे एक बहुत ही खास पर्सन का, एंड द पर्सन इज द मेंबर ऑफ माय फैमिली, दिस इज द पैरट। और इसका नाम क्या है पता है? द नेम ऑफ माय पैरट इज शोना। तो शोना, से हाय टू ऑल योर फ्रेंड्स। सो दोस्तों, ये है मेरा घर का मेंबर। लास्ट 10 साल से ही इज द मेंबर ऑफ माय फैमिली। यू कैन से इट इज द रिंग नेक पैरट। और ये मेरा फैमिली का बहुत ही खास एक मेंबर है, एंड बहुत ही प्यारा मेंबर है। सो बेसिकली आज है उसका बर्थडे। एग्जैक्टली बर्थडे तो मुझको पता नहीं है, बट जब ये जिस दिन मेरा घर में आया था, मीन्स दैट इज द 1st September, सो आई सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ हिम, ऑफ दिस हैंडसम बॉय, ऑन द 1st September ऑन एवरी ईयर। सो दोस्तों, आज है इसका बर्थडे। बट इसका बर्थडे के दिन आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कुछ खास बात अबाउट माई पैरट। इसका लाइफ में कुछ ट्रेजेडी, कुछ पेन, कुछ डिप्रेशन। होप सो अगर आपके पास भी कोई सजेशन है हाउ टू हेल्प माई पैरट, सो यू कैन गाइड मी अप। सो आप देख सकते हो हाउ क्यूट इट इज। 10 साल हो चुका है मेरा पैरट का, एंड यू कैन सी इट इज द एडल्ट बर्ड राइट नाउ। दोस्तों, सोना का लाइफ का जो फर्स्ट ट्रेजेडी है, दैट इज इसका मम्मी के साथ इसका बिछड़ जाना। मीन्स इससे 10 साल पहले मैं मेरे दोस्तों के साथ पिकनिक में गया था, तब मुझको ये मिला एक पेड़ के नीचे। इसका जो नेस्ट है, ये पूरा नष्ट हो चुका था बारिश के लिए, तो नीचे गिरा हुआ था। ये अकेला नहीं था, इसके साथ दो और भी इसका ब्रदर्स थे। बट वी वेटेड फॉर लॉन्ग टाइम, इसके मम्मी की इंतज़ार किया, बट शाम हो चुका था। अगर हम लोग इसको छोड़ के आते, हो सकता था कोई बिल्ली, कोई कुत्ता इसको मार दे, खा ले। सो दैट्स व्हाई वी पिक्ड इट अप। हम लोग दो को वहाँ पर हम किसी लोकल को दे दिया, और इसको मैं घर ले आया। दैट वॉज सो स्मॉल दैट टाइम, ये बहुत ही छोटा था। मेनली माई सिस्टर टू केयर ऑफ हर। बट इसका लाइफ का जो ट्रेजेडी है, वहाँ पर ही ख़त्म नहीं हुआ। उसके बाद कुछ साल में इट बिकेम सो मच गुड पार्ट ऑफ आवर लाइफ, हम लोग के साथ रहना, हम लोग के साथ खेलना, एंड इट बिकम सो यूज टू। बट अनफॉर्चुनेटली आज से 3 साल पहले इसका जो सबसे प्यारा मम्मी है, मीन्स इसका जो माई सिस्टर, इसका जो एक्चुअल जिसके साथ सबसे ज़्यादा प्यारा बॉन्डिंग है, आप देख सकते हो, दिस इज माई शोना। मेरा सिस्टर का, मेरा बहन का शादी हो चुका था, सो शी वेंट फ्रॉम हियर एंड शी बिकेम सो लोनली, ही बिकेम सो लोनली। तो ही बिकेम सो लोनली ओवर हियर, तो अकेला पड़ गया, और ही वेंट फॉर द डिप्रेशन। बट बीच बीच में जब मेरा जो बहन आता है यहाँ पर, ही बिकेम सो हैप्पी एंड सो एक्साइटेड। सो दिस इज द फर्स्ट ट्रेजेडी ऑफ हिज लाइफ। सोना का बर्थडे, तो इसके लिए मैं इसको खिलाने वाला हूँ देश रेड चिली। इसका बहुत ही प्यारा है। यूजुअली बर्थडे में तो हम लोग केक काटते हैं, बट ये तो बेचारा पंछी है, ये तो केक नहीं खा सकता है, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर हिज हेल्थ। तो इसके लिए है ये रेड चिली। तो सोना को मैं दे देता हूँ, देख सकते हो, इट इज यस, मेरा सोना ले लिया है रेड चिली, और हैविंग द टेस्ट ऑफ इट। चलो चलो खा लो। ओके ओके, सो इट्स नाइस टू सी नो। ओके, इसी पंछी को ऐसे हाथ से खिलाना का एक्सपीरियंस, इट इज सो गुड। एक्चुअली अभी कैमरा देख के थोड़ा सा डर रहा है, सो इट इज नॉट, ही इज नॉट यू नो फीलिंग गुड टू हैव इट। तो चलो बाद में खिलाता हूँ इस चिली को। बट वन थिंग आई मस्ट हैव टू डिस्कस विद यू, सोना का लाइफ का जो ट्रेजिडी, तो पहला ट्रेजिडी मम्मी का चले जाना, इसका जो ऑरिजिनल मम्मी है, जो यू नो पैरट था। सेकेंडली इसका जो मेरा जो बहन, उसका शादी होकर यहाँ से लॉस हाउस पर चले जाना, बिकॉज ही यूज टू लव अ लॉट टू माई सिस्टर। एंड सेकेंड स्ट्रेटजी ट्रेजिडी जो है, थर्ड ट्रेजिडी जो है, दैट इज़ वेरी मच पेनफुल माई फ्रेंड। इसके लिए सिर्फ नहीं, ये पूरा मैंने फैमिली के लिए पेनफुल था, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद ये एक इसके साथ दोस्ती हो गया। मेरा एक बहुत ही प्यारा सा रैबिट था, जिसका नाम था बिट्टू। यस गाइस, बिट्टू जो मेरा प्यारा सा, बहुत ही प्यारा सा रैबिट, इसका उम्र था ऑलमोस्ट 12 साल। इसके साथ बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग था, एक साथ ये लोग रहते थे, मीन्स दोनों केज में साइड बाई साइड, एंड दे वर वेरी गुड फ्रेंड। और सुबह उठ कर, सुबह 5-6 बजे से शोना यूज टू
लाउडली उसको बुलाता था, बिट्टू बिट्टू करके बुलाता था. अनफॉर्चुनेटली 4-5 महीने पहले बिट्टू एक्सपायर्ड. सो यू कैन से बिट्टू वॉज अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली. तो मेरा जो रैबिट, इट वॉज अ पार्ट ऑफ माई फैमिली बट इट एक्सपायर्ड. सो उसके बाद भी सोना आज भी स्टिल हर सुबह मॉर्निंग बिट्टू को ढूंढता है, उसको चीख चीख के बुलाता है. सो ये देख कर ट्रस्ट में किसी का भी दिल, यू नो, जस्ट लाइक फील बैड फ्रॉम हर्ट. सो दीज आर द 3 बेसिक ट्रेजिडीज ऑफ माई लिटिल बर्ड. इट्स सो ब्यूटिफुल ओवर हियर, आप देख सकते हो सोना. ये बहुत बात भी करता है बट अभी थोड़ा सा बात कम करता है बिकॉज फॉर ऑल दीज ट्रेजिडीज एंड ऑल. बट पहले थैंक यू बोलता था, गुड मॉर्निंग बोल लेता था, अगर कोई लोग आए तो उसको हाय हेलो भी बोल लेता था. बट कभी मौका मिले तो मैं वो भी रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखाऊंगा. सो गाइस, क्यों मैं ये सब बोल रहा हूँ, बिकॉज हम लोग तो ब्लॉग बनाते हैं अबाउट ट्रैवलिंग, अबाउट एक्साइटमेंट एंड ऑल, बट दे ऑल आर ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर फैमिली. स्पेसिफिकली सोना इज पार्ट ऑफ आवर फैमिली. तो आपके पास भी अगर कोई सजेशन है कैसे मैं इसको हेल्प कर सकता हूँ, कैसे मैं इसका इसको डिप्रेशन से बाहर ला सकता हूँ, सो काइंडली कमेंट जरूर करना फॉर सोना. सो ये देखो, ये है मेरा सोना का घर. व्लॉग बनाते बनाते शूट करते करते मेरा सोना भी बहुत टायर्ड हो चुका है, तो अभी उड़ कर आ चुका है उसके घर के ऊपर. यू कैन सी गाइज, ये बड़ा सा जो केज है, इट इज़ द रूम ऑफ माई क्यूट मेम्बर ऑफ माई फैमिली, दैट इज सोना. तो सोना के साथ ये जो केज का बहुत ही एक अच्छा बॉन्डिंग है. ये कभी जब बाहर आता है तो खुद ब खुद इसके ऊपर बैठ जाता है और सिग्नल देता है जे मुझको घर में जाना है. एंड ही इज़ वेरी मच पॉसिटिव ऑल्सो. सो गाइज, अगर आप इसके घर में हाथ डालोगे, आप इसके घर में अगर कोई तांग छाम करोगे, ही डजंट लाइक ऑल्सो बिकॉज ही इज वेरी मच पॉजिटिव अबाउट हीज होम ऑल्सो. Enjoyed this vlog. Shona वो तो रूम में चला गया है और ये तो सोना का बर्थडे सेलिब्रेशन विद ऑल ऑफ यू. होप सो यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो. एंजॉय किया तो लाइक जरूर कर दीजिए और विश करना मत भूलिएगा सोना को फॉर इट्स 10th बर्थडे. सो गाइस, चलिए यहाँ पर खत्म करते हो व्लॉग को. सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग एपिसोड.